नमस्ते, स्वागत है आपका व्हाट कार इंडिया के सेकंड हैंड कार गाइड में। आज हम बात करेंगे ह्युंडई की मारुति स्विफ्ट राइवल ह्युंडई ग्रैंड आई10 नियोस के बारे में। अगर आप एक सेकंड हैंड ग्रैंड आई10 नियोस खरीदना चाहते हैं तो किस प्राइस पर खरीदें, कौन सा वेरिएंट चुनें और इंजन ऑप्शन आपको कौन से मिलेंगे और क्या इश्यूज हैं जिनसे आपको बचना है, ये सब बताएंगे इस वीडियो में, तो इसके एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बाजार में इतनी हैचबैक्स हैं तो ग्रैंड आई10 नियोस कंसीडर क्यों करें? सेकेंड हैंड ग्रैंड आई10 नियोस के साथ पेट्रोल, सीएनजी, टर्बो पेट्रोल और तो और डीजल इंजन का ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। इस सेगमेंट की और किसी भी हैचबैक में आपको इतने पावर ट्रेन ऑप्शंस नहीं मिलते। और बढ़िया बात यह है कि ये सारे काफ़ी रिफाइंड यूनिट्स हैं, मतलब एक स्मूथ ड्राइव तो आपके लिए पक्का है। मैनुअल के अलावा पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आपको AMD की कन्वीनियंस भी मिल सकती है। ये काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ है इस कार की, क्योंकि छोटी हैचबैक्स में खासकर 2020 के बाद से सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिल रहे हैं। ये नई ग्रैंड आई10 दिखती काफ़ी हटके है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, पर ये सिर्फ हायर वेरिएंट्स में ही अच्छे से निखर कर आता है। सामने इसमें बड़ी सी ग्रिल मिलती है, LED DRLs हैं, साथ ही हेडलैम्प और फॉग लैम्प्स के लिए प्रोजेक्टर यूनिट्स हैं। साइड में आपको शार्प दिखने वाले 15 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं और ब्लैक्ड आउट सी पिलर से इसकी रूफ में आपको फ्लोटिंग इफेक्ट दिखता है। रियर से भी इसका डिजाइन काफी प्रोपोर्शनेट है। सेगमेंट के हिसाब से कैबिन मटेरियल की फिट एंड फिनिश भी काफी अच्छी है। डैशबोर्ड पैनल्स पर टेक्सचरिंग, लाइट कलर की अपोस्टरी और प्लास्टिक्स की अच्छी क्वालिटी इसे प्रीमियम टच देते हैं, और प्रीमियम क्वालिटी को सपोर्ट करने के लिए ढेर सारे फीचर्स भी मिलते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED DRLs, 8 इंच टच स्क्रीन और ढेर सारे कनेक्टेड टेक फीचर्स। ग्रैंड आई10 नियोस लेने का एक और रीजन हो सकता है इसका वाइड आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क। अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में गाड़ी खरीद रहे हो तो इसकी देखरेख में ज्यादा इश्यूज नहीं आने चाहिए। बाकी गाड़ी लेने से पहले पता कर लें सर्विस सेंटर आपके कितना नजदीक या कितना दूर है, इससे लंबे समय तक आपकी कन्वीनियंस बनी रहेगी। अब बताता हूं आपको ह्युंडई ग्रैंड आई10 नियोस की कीमत कितनी मांग रहे हैं लोग बाजार में। ग्रैंड आई10 नियोस 2019 में लॉन्च हुई थी, तो तब से 2021 तक के एग्जांपल्स पर हमने नजर डाली। 2019 के बेस एरा वेरिएंट के लिए 370,000 की डिमांड थी, वहीं एस्टा के लिए 530,000 रुपए तक स्पेंड करना पड़ सकता है। 2020 में इनकी प्राइस 420,000 से लेके 725,000 के बीच में थी, और 2021 के ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू मॉडल्स के लिए 5 से 8.5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। ये प्राइसेस वेरिएंट और इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करती हैं। ग्रैंड आई10 के लिए अपना बजट 5.5 से 7.5 लाख रुपए के बीच में रखें और गाड़ी चूज कीजिए। इन प्राइसेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे एज अ गाइड इस्तेमाल कीजिए। अब ग्रैंड आई10 बैच की डिमांड काफी अच्छी है, तो नाप तोल करना थोड़ा पेचीदा हो सकता है। इसकी रनिंग कॉस्ट और स्पेयर पार्ट्स की कीमत भी मार्केट में राइवल्स के मुकाबले लो टू मिड लेवल पे है, तो रेगुलर मेंटेनेंस में ज्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए। ग्रैंड आई10 नियोस पर 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी भी मिलती है, जिसे आप 5वें साल तक एक्सटेंड भी कर सकते हो, तो चांसेस हैं कि आपको एक अंडर वारंटी मॉडल मिल सकता है जिससे आपकी पीस ऑफ माइंड बढ़ जाएगी। अगर यहां तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। हम ऐसे ही डिटेल्ड यूज्ड कार और न्यू कार्स की जानकारी लाते हैं, सबसे पहले हिंदी में। अब ग्रैंड आई10 नियोस सब 4 मीटर है तो काफी कॉम्पैक्ट है, पर फिर भी डिमेंशंस देख लेते हैं जिससे आपको अंदाजा रहे कि गाड़ी आपके घर के आगे कितनी जगह लेगी। आप क्राउडेड एरियाज में रहते हैं तो ग्रैंड आई10 नियोस इजी टू मैनेज है। बाकी मैग्ना वेरिएंट से ही आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट मिलता है, तो छोटी हाइट के ड्राइवर्स के लिए ये काफी काम आएगा। बूट स्पेस भी फैमिली के वीकेंड ट्रिप के लिए इनफ है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी 165 mm है, जो फुल लोड के साथ भी ज्यादातर खराब रास्तों के लिए इनफ होनी चाहिए। ह्युंडई ग्रैंड आई10 नियोस की खास बात है इसके इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हैं, मतलब इस सेगमेंट में और किसी गाड़ी में आपको इतने ऑप्शंस नहीं मिलते। एक 1.2 लीटर पेट्रोल विद मैनुअल एंड AMT, साथ में आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है, और मिलता है एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल विद मैनुअल और 1.2 लीटर डीजल विद मैनुअल एंड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आपका सिटी यूज ज्यादा है तो 1.2 लीटर पेट्रोल बढ़िया ऑप्शन है, और इसी में AMT भी आपको मिल सकता है। पेट्रोल के दाम कुछ ज्यादा ही हो गए हैं तो ग्रैंड आई10 में CNG का ऑप्शन भी आपके हाथ लग सकता है, लेकिन आपको ड्राइविंग का आनंद उठाना है तो इसमें 1 लीटर टर्बो पेट्रोल ऑप्शन है, वो आपको ज्यादा सूट करेगा। इस इंजन के साथ ग्रैंड आई10 नियोस 0 to 100 kph का टाइम अंडर 10 सेकंड्स करती है, तो मस्ती होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं।
जिन लोगों की रनिंग 1.5 से 2,000 किलोमीटर पर मंथ ज़्यादा है तो वो Hyundai Grand i10 Nios का डीजल ऑप्शन चुन सकते हैं। हमने Grand i10 के पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों के फ्यूल टेस्ट किए हैं। 1.2 पेट्रोल मैनुअल ने सिटी में 13 किलोमीटर पर लीटर लौटाया और हाईवे पर 16.2 kpl लौटाई। वहीं AMT ने थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई, 13.76 kpl लौटाई सिटी में और 16.61 kpl हाईवे पर। डीजल की बात करूं तो उम्मीद अनुसार इकोनॉमी बहुत बेहतर है। डीजल मैनुअल ने 14.90 kpl लौटाई शहर में और हाईवे पर 19.64 kpl लौटाई। AMT के साथ हल्का सा ये नंबर कम हो जाता है, 14.87 इन सिटी एंड 19.36 ऑन द हाईवे। ये सभी फिगर्स हमने खुद टेस्ट की हैं, तो आपको रियल वर्ल्ड कंडीशन में अपने फ्यूल एक्सपेंसेस का अच्छा खासा अंदाजा लग जाएगा। ग्रैंड i10 Nios में आपको मोटा मोटा चार वेरिएंट्स के ऑप्शन हैं, एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स और एस्टा। फीचर्स के मामले में ग्रैंड i10 Nios काफी लोडेड है। टॉप एस्टा वेरिएंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED DRLs, वायरलेस चार्जर, Alchemist ऑडियो, 8 इंच टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले और सेफ्टी के लिए 2 एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग सेंसर स्टैंडर्ड है। मेरी एडवाइस रहेगी कि आप कम से कम स्पोर्ट्स ट्रिम तो ले, बाकी बजट मीट करता है तो एस्टा वेरिएंट चुनने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि इससे आपको अपनी गाड़ी ज्यादा दिन चलाने का मन करेगा। अब सेकेंड हैंड कार लेते वक्त थोड़ा ध्यान से गाड़ी परख लेना जरूरी है। कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और उनसे सावधान रहना है ग्रैंड i10 Nios के मामले में। वो कौन सी बातें हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप AMT वेरिएंट लेने जाओ तो क्लच का वेयर एंड टेयर जरूर देख लें। वो कैसे करना है, टेस्ट ड्राइव लेते वक्त देखो कि गाड़ी में जब आप चला रहे हो ब्रेक से पैर हटाते ही गाड़ी आगे स्मूदली क्रीप कर रही है और गियर शिफ्ट्स में कोई झटके तो नहीं आ रहे हैं। कुछ i10 Nios ओनर्स ने सस्पेंशन जल्दी खराब होने के इशू रिपोर्ट किए हैं। टेस्ट ड्राइव के समय ध्यान दें कि गाड़ी गड्ढों पर ज़्यादा क्रैश तो नहीं कर रही है या फिर ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहा इसका सस्पेंशन। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सस्पेंशन बुशिंग्स के साथ इशू हो सकता है जो आपको गाड़ी खरीदने के बाद बदलवाना पड़ सकता है, मतलब और ज़्यादा खर्चा। अब वैसे ये ज़्यादा ओनर्स ने रिपोर्ट नहीं किया है, मगर AC कूलिंग में भी दिक्कत कुछ लोगों ने नोटिस ज़रूर की है। ये कूलिंग कॉइल के साथ इशू हो सकता है, तो इसे भी अच्छे से चेक करवा लें, साथ में कोई मैकेनिक या फिर जानकार दोस्त को लेके जाएं। और हाँ, टायर्स, ब्रेक पैड्स और फ्लूइड्स भी चेक कर लें, जिससे गाड़ी लेने के बाद आपको ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। अब नई लें या फिर पुरानी, इस इन्फो से आपकी Hyundai Grand i10 Nios की खरीदारी काफ़ी सिंपल और स्ट्रेस फ्री होगी। अगर आप किसी को जानते हैं जो ये गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप खुद एक Grand i10 Nios ओनर हैं तो आपका अब तक गाड़ी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है वो हमारे साथ कॉमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे और भी बायर्स को हेल्प होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।